नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और प्रॉपर्टी अपडेट्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और इस बार भी आपको हर बार की तरह एक फ़्लैट ही दिखाने वाला हूं, लेकिन ये जो फ़्लैट मैं आपको दिखाने वाला हूं, इसकी क्या खासियत है, इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ, ये कैसी सोसाइटी है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आज मैं खड़ा हूँ लांड्रा रोड पर। लांड्रा रोड पर सबसे चर्चित जे टी पी एल के ठीक अंदर यहाँ फ्लैट्स बने हुए हैं। ये सेक्टर 115 पड़ता है, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और आज मैं आपको एक फ़्लैट दिखाने वाला हूँ। ये फ़्लैट उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, जो कहते हैं मुझे बड़ा घर तो चाहिए लेकिन मुझे कोठी या विला में नहीं रहना है, मैं तो फ़्लैट्स में सेफ़ फील करता हूँ। ये घर उन लोगों के लिए हैं जो जिनकी मानसिकता कि नहीं, मुझे फ़्लैट में क्या होता है कि ऊपर नीचे सब रह रहे हैं, मिलना जुलना भी रहता है और एक अच्छे इन्वायरमेंट मिल जाता है, मुझे तो वहीं रहना है। सबसे पहले, इससे पहले कि मैं एरिया बता दूं, एक एलिवेशन आप देख लीजिए, ये एलिवेशन है, G+2 की कंस्ट्रक्शन है और न्यू कंस्ट्रक्शन है और एरिया इसका है 210 गज। 100 गज में आजकल विला बन रहे हैं, कोठियां बन रही हैं, तो ऐसे में 210 गज का फ्लैट कैसा है, 3 BHK है, क्या क्या आपको मिलने वाला है, अंदर से कैसा लगता है, सभी सवालों के जवाब अंदर आइए अंदर जाके देंगे। चलिए, 210 गज का ये फ्लैट है और ये फ्लैट आपको कैसा लगता है, ये आप मेरे नज़रिए से थोड़ा देखें। बहुत बड़ा विंडो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो आपको कि बाहर का सारा व्यू दिखाता है। ये आपका एक्चुअली लिविंग स्पेस है, यहाँ पे आप यू शेप बहुत बढ़िया सा सोफ़ा लगा सकते हैं क्योंकि बिल्कुल एंट्रेंस पे हैं, एक बड़ा सा टेबल रख सकते हैं। और इसके बाद ये आ जाता है एक सेकंड एरिया जो बिल्कुल सेपरेट है, क्योंकि इतना बड़ा घर है 210 गज का, तो डेफिनेटली एरिया भी उसी हिसाब से डिवाइड किया गया है। ये आपका पूरा डाइनिंग एरिया आ गया, यहाँ पे एक 6 सीटर 8 सीटर जैसा ठीक लगे एक डाइनिंग टेबल लगाएं, और ये एक बहुत खुली सी किंग साइज किचन। अब आजकल एक ट्रेंड भी है, किचन को वुडन पार्ट से ऐसे पार्टीशन करवा लेते हैं, वो और अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो करवा सकते हैं, अदरवाइज ये ओपन है, मॉड्यूलर किचन है, एज इट इज़ आपको मिलने वाली है। ड्रॉर्स वॉर्स सब बने हुए हैं, प्लेटफॉर्म इसका बना हुआ है, एल शेप ना होके ये यू शेप में है, रेफ्रिजरेटर के लिए जगह है, 2 सिंक्स लगे हुए हैं, फॉल सीलिंग आप देख सकते हैं हुई पड़ी है यहाँ पे। और चलिए स्टेप बाई स्टेप चलते जाते हैं और ये हम आपको दिखाते हैं अब बेडरूम नंबर 1। ये बेडरूम नंबर 1 है। बेडरूम नंबर 1 क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एंट्रेंस पे है। देखिए, जब भी कोई चीज़ एंट्रेंस पे आ जाती है हम उसे सबसे पहले दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये आपकी फ्रंट की बालकनी है, ये देखिए फ्रंट की आपकी बालकनी है और इसी में आगे वॉशरूम भी हम देखेंगे, इसी में बना होगा, तो ये फ्रंट की बालकनी है, यहाँ पे आप गमले वमले लगा सकते हैं, आराम से बाहर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टील की रेलिंग है और फ्रंट से एंट्री भी आप रख सकते हैं, अगर कोई घर में मेहमान आए हैं उस तरफ नहीं जाना है तो झट से आप यहाँ से एंट्री मारने। ये वार्डरोब आपको इस रूम में दिया गया है, इसे आप गेस्ट रूम भी बना सकते हैं क्योंकि ये कमरा बाकी सभी कमरों से कट जाता है, बिल्कुल एंट्रेंस पे है। मैं यहाँ से देखूँ तो बिल्कुल दरवाजे के सामने बिल्कुल दरवाज़ा है बाहर जाने का। तो ये आ गया एक पैसेज, इस पैसेज के बाद आप पहुँच जाएंगे एक वॉशरूम में जिसका रास्ता दूसरी जगह से भी है, तो ये आपको वॉशरूम की कनेक्टिविटी यहाँ से मिलती है और साथ ही एक कनेक्टिविटी यहाँ से मिलती है कि ऐसा गेस्ट जो घर में आया है जिसने खाना खाया और तुरंत उसने यहाँ पे रहना नहीं है, जाना है, तो उस गेस्ट के लिए वॉशरूम ये यूज़ कर सकता है, वो ज़रूरत नहीं है उसे कहीं और अंदर घर के घुमाने की। ये आ गया आपका बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 और साथ में अटैच वॉशरूम और वार्डरोब भी यहाँ पे बिल्कुल आपके पास है, स्लाइडिंग में वार्डरोब है, वार्डरोब के अलावा यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया भी है। ये देखिए, ये आपका सारा स्टोरेज स्पेस आ जाएगा, यहाँ आप चाहें अगर मिरर लगवाना है तो आपकी मर्जी है लगवा सकते हैं। और इससे पहले कि मैं बाहर जाऊँ, मैं थोड़ा सा खोल देता हूँ ताकि लाइट भी अच्छी हो जाएगी। ये एरिया क्या है, देखिए ये एक बहुत सुंदर एरिया, इसमें इसलिए कह रहा हूँ ये बेडरूम में है, इसे अब आप चाहें तो स्टोर बना लें, चाहें तो आप पूजा रूम बना लें, चाहें तो इसे आप यूटिलिटी एरिया बना लें, एक मतलब अंदर आपको कमरे के अंदर एक छोटा सा एक स्पेस मिल रहा है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए,
ये अब 210 गज में मैं आपको जब भी दिखाता हूँ एक छोटा सा वॉशिंग एरिया दिखाता हूँ, पर यहाँ पे आपको अगर ग्राउंड फ्लोर आप ले रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा, ये आपको पूरा बरामदा नुमा एक इतना बड़ा एरिया मिल रहा है जो आमतौर पे कोठियों में मिलता है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है आपको ये ज़रूर अच्छा लगेगा, इतना खुला स्पेस कि आप यहाँ पे चाहे तो 1, 2, 3, 4, 5 पलंग बिछा सकते हैं, 8-10 कुर्सियाँ रख सकते हैं, छोटा मोटा गेट टुगेदर करना हो तो वो कर सकते हैं, नल वल लगे हैं, वॉशिंग एरिया फिट कर लीजिए, वॉशिंग मशीन यहाँ फिट कर लीजिए, और ये दूसरे बेडरूम से भी बाहर का एग्ज़िट यहाँ से है, रास्ता आता है यहाँ से। ये है 210 गज का फ़ायदा, ये है 210 गज की, क्योंकि आप रूम्स देख रहे होंगे तो आपने सोचा होगा 210 गज कहाँ खर्च कर दिया इन्होंने, तो ये है। ये आ गया बेडरूम नंबर 3, और बेडरूम नंबर 3 में भी ठीक वही अटैच वॉशरूम, बाहर जाने का यहाँ से रास्ता, फॉल सीलिंग, और ये आपका वार्डरोब, और एक फिर वही चमत्कारिक कमरा, मतलब कि ये यहाँ पे वैसा ही ठीक एक और स्पेस दिया गया है जैसा वहाँ था। अब वो आप स्टोर बना लें, एक को पूजा रूम बना लें, या फिर आप दोनों स्टोर बना लें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन एक अच्छा स्पेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो कुल मिला के बिग 3 BHK, एक बड़ा 3 BHK जिसका साइज़ बड़ा है, जिसमें 3 बेडरूम हैं, जिसमें 2-2 स्टोर्स हैं, स्टोर है तो स्टोर बनाएं, पूजा रूम है तो पूजा रूम बनाएं, उसमें एक सेपरेट लिविंग एरिया है, सेपरेट डाइनिंग एरिया है, वॉशरूम की एंट्री भी जो है वो 2-2 जगह से है। तो कुल मिला के ये बड़ा BHK G+2 की कंस्ट्रक्शन में है, और कीमत शुरू होती है 43,90,000 से। तो अगर आप टॉप फ्लोर ले रहे हैं तो 43,90, उससे एक नीचे आ गए फर्स्ट फ्लोर पे 44,90, और ये 45,90। ये 45,90 इसलिए क्योंकि बाहर पीछे जगह देखिए कितनी है खाली, जो कि आपकी ही रहने वाली है हमेशा, आप उसे जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हैं, एक अच्छी बात है। तो कुल मिला के ये फ्लैट उन लोगों के लिए था जो बड़ा घर चाहते थे, वो भी फ्लैट के रूप में। तो आप लोग आइए, लोकेशन अच्छी है JTPL की, बहुत अच्छी फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं, विलाज़ हैं, कोठियाँ हैं, आसपास सारा बसा हुआ एरिया है। JTPL की कनेक्टिविटी लांडा रोड से आपको पता ही है, बिल्कुल ऑन रोड है, आसपास यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छे ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स हैं, और सब कुछ बढ़िया है। विज़िट करें और पसंद आए तो डेफिनेटली आप ले भी ज़रूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें, और मुझे दे इजाज़त, धन्यवाद।